कांग्रेस की कलह की। एक तरफ जहां हरियाणा में बीजेपी मिशन 75 तय कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस में अभी भी वर्चस्व की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक के बाद अब अशोक तंवर अपनी तरफ से प्रदेश में बैठकों का दौर शुरू करने वाले हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस में इलेक्शन की तैयारी तो होती रहेगी, अभी तो कांग्रेस में दो दो हाथ आपस में ही आजमाए जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यूं तो पूरे जोशों खरोश के साथ अपनी दिल्ली आवास पर 9 जून को अपने समर्थकों का आह्वान किया था, जिसमें 11 कांग्रेसी विधायकों के साथ पूर्व 5 सांसद और करीब 3 दर्जन पूर्व कांग्रेस विधायक भी मंच पर पूर्व सीएम के साथ बैठे नजर आए थे। और साथ ही 2 प्रस्ताव पारित करते हुए पहले प्रस्ताव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को फिर से पद संभालने की बात कही और दूसरे प्रस्ताव में सभी मौजूदा और पूर्व विधायकों ने एक स्वर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हां में हां मिलाते हुए यह भी प्रस्ताव रखा कि हरियाणा कांग्रेस लेवल में जल्द सुधार किया जाएगा। और क्या नहीं, उनकी पार्टी है, लेकिन असलियत तो यही है कि अब ये चुनाव मुद्दों पर होगा और इस सरकार की जो विफलताओं पर होगा। सरकार विफल है और पूरा आज सबने संकल्प लिया है इस निकम्मी नकारा सरकार को बाहर करने का काम करें। सर, ये दे दिया रेजुलेशन, आपने अभी जिलानगर या साहब से मुलाकात हो चुकी है और आपने शब्द भी इस्तेमाल किया था कि जरूरी कदम जो भी उठाने हैं जल्द से जल्द उठाए जाए। हाँ, कमान से मानू हम पूरी आशा है हमारे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मीटिंग विधानसभा चुनाव की तैयारियां से ज्यादा संगठन में बदलाव की उम्मीद के साथ आला कमान पर दबाव बनाने की रणनीति ज्यादा बनकर रह गई है, क्योंकि समर्थकों के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी के खिलाफ कुछ बात नहीं कही और तमाम नेताओं के साथ ड्राइंग रूम में अलग से चर्चा जरूर की, जिसके जवाब में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी पूरे प्रदेश की बैठक गुड़गांव में बुला ली। फिलहाल तंवर की ओर से कहा गया है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की रणनीति बनेगी, मगर सूत्र बता रहे हैं कि तंवर इसमें पूर्व सीएम हुड्डा और उनके समर्थकों के सवालों का सार्वजनिक रूप से जवाब भी देंगे। साफ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी ताकत दिखाते हुए आला कमान से संगठन में बदलाव की सबसे बड़ी कोशिश कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ विधायक जयतीरथ धैया की कांग्रेस आला कमान को भेजी गई शिकायत के बाद अशोक तंवर भी अपने पद पर बने रहते हुए अब गुड़गांव में अपनी ताकत दिखाएंगे। यानी बीजेपी का मिशन 75 भले ही सामने हो, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर ग्रुप की आपसी लड़ाई हरियाणा कांग्रेस की भी कहानी है, जिससे पार पाने के बाद भी विधानसभा चुनाव की कुछ बात हो पाएगी। विनोद लांबा, टोटल न्यूज़।